अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 P1 NN1 बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप यू आर फाइन एंड वेल। टुडे 13 जुलाई 2020, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बायोएनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 7। आज हमने चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। यहाँ पर टॉपिक में बायोएनर्जेटिक्स इसलिए लिखा है ताकि क्योंकि हमने बायोएनर्जेटिक्स के ही डिफरेंट जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी के जो प्रोसेसेस हैं उनको हम पढ़े हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। अब रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये बोर्ड में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल ऑफ सनलाइट, ठीक है, कि लाइट या सनलाइट जो है उसका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल। तो सबसे पहले रोल ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब्ड करता है क्लोरोफिल, ठीक है। पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर इस सनलाइट को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करती है, ठीक है। सिर्फ जो 1% लाइट होती है, टोटल लाइट जो कि फॉल होती है किसी भी प्लांट पर, उसमें जो 1% लाइट है सिर्फ वही लाइट एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है इन अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है कि सिर्फ 1% जो है लाइट वो ही एब्जॉर्ब होती है जो कि उस प्लांट पर फॉल हो रही है, गिर रही है, ठीक है। लाइट रेज जो होती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। लाइट जो है वाइट कलर की होती है, ठीक है, और उसमें और मज़ीद 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है। अब ये जो 7 कलर्स हैं इस वाई लाइट के अंदर मौजूद, इस सन लाइट में मौजूद, तो इन 7 कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये अपनी वेवलेंथ के लिहाज से प्लांट जो है इन्हें एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यानी जिस वेवलेंथ की लाइट प्लांट को चाहिए होती है, प्लांट सिर्फ उसी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा जो दूसरे कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, खुराक बनाने का प्रोसेस, वो भी डिफरेंटली इनसे इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। अब जैसे ब्लू और रेड लाइट जो होती हैं वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं बनस्बत दूसरी लाइट्स की, ठीक है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो होती है वो प्लांट के लिहाज से वो एडजस्टेबल होती है। तो प्लांट जो हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इन लाइट को, इनकी वेवलेंथ जो है वो इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्लू और रेड लाइट जो है वो मोर फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्लोरोफिल। अब रोल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या रोल है प्लांट में, पौधे में खुराक बनाने के अमल में, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जिन्हें फोटोसिस्टम्स कहते हैं। अब ये फोटोसिस्टम जो है ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बल्कि दूसरे जो हैं उनको एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। अब उन एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स भी हैं, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो है वो भी मेनली एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड लाइट को, ठीक है। और कुछ ऐसी वेवलेंथ होती हैं जो एब्जॉर्ब होती हैं बाय क्लोरोफिल ए, और कुछ होती हैं जो वही वेवलेंथ जो है वो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते, और कुछ ऐसी वेवलेंथ होती हैं जो कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करता लेकिन जो अदर एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर सकें। लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें कमी या जिसकी एब्सेंस की वजह से जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वो डिस्टर्ब हो, ठीक है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर।
अब मैनी फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग है, यानी जिनकी कमी या जिनका ना होना फोटोसिंथेसिस पर बड़ा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो उन फैक्टर्स में है लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी अगर इन फैक्टर्स में कमी होगी या इन फैक्टर्स की एब्सेंस होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है। अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो चेंज होता है लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी कम होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता है, जैसे जैसे कम होता है सॉरी कम होता है। अब जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर ले, ठीक है, तो उसके बाद जो जितना भी वो मज़ीद बढ़े लेकिन लाइट इंटेंसिटी जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा और मज़ीद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट है नोट करने के लिए कि क्या होता है कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी कम हो वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होता है, जैसे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होके अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड चली जाती है, अपनी लिमिट्स क्रॉस कर लेती है, तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। तो टेम्परेचर के कम होने से फोटोसिंथेसिस का कम हो रहा है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होगा अप टू अ सर्टन लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर जो टेम्परेचर है यानी लाइट इंटेंसिटी है वो बहुत लो चली जाएगी और लाइट इंटेंसिटी कम चली जाएगी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी कुछ इफ़ेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा हो जाता है अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली हैं तो जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट मैं ओवरव्यू आपको देना चाहती हूँ रेस्पायरेशन का, ठीक है, और इसकी डिटेल जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो रेस्पायरेशन क्या होता है? जब हम फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो फूड जाता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है हमारे फूड में मौजूद, जब वो टूटते हैं उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होती है, और ये जो सेलुलर यील्डिंग प्रोसेस है, सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एनर्जी रिच बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन हो गए ये बॉन्ड्स, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, और वो बनाते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी नतीजे में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है जो कि बॉडी को मिलती है फॉर देयर फंक्शनिंग, ठीक है। इसे कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की फर्दर टू टाइप्स हैं, दैट इज़ एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं कि रेस्पायरेशन का वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसमें होती है और प्रोडक्ट बन जाते हैं, और ये प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। जबकि एनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन है, टाइप है रेस्पायरेशन की, जिसमें विदाउट ऑक्सीजन जो है वो रेस्पायरेशन हो रही है, एन विदाउट, ठीक है। यानी एनएरोबिक रेस्पायरेशन में जो रेस्पायरेशन है वो विदाउट ऑक्सीजन हो रही है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, ठीक है।
तो ये दो टाइप्स हैं रेस्पिरेशन की, इनकी जो डिटेल है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर बुक। पेज नंबर 122। टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 122। रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच डिराइव्स द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। Only 1% of the light falling on leaf surface is absorbed. The rest is reflected or transmitted. The light rays of different wavelength are not only differently absorbed by photosynthetic pigment, but are also differently effective in photosynthesis. The blue and red lights carry out more photosynthesis. इस पर आप हेडिंग देंगे रोल ऑफ सनलाइट, ठीक है? रोल ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उस पर आप हेडिंग देंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम्स इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ए इज मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अदर्स आर एसेसरी पिगमेंट्स एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। Chlorophylls absorb mainly blue and red light. Some wavelength not absorbed by chlorophyll A are very effectively absorbed by accessory pigments and vice versa. अब ये ब्लू बॉक्स है इसे भी देख लेते हैं। इस पर आप क्वेश्चन लिखें डिफाइन पिगमेंट्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन पिगमेंट्स क्वेश्चन लिखें इस पर। Pigments are the substances that absorb visible light. Different pigments absorb light of different wavelength or colors. ठीक है? Next है limiting factors in photosynthesis. तो सबसे पहले है limiting factors की definition जो कि important है. An environmental factor, the absence or deficiency of which can decrease the rate of metabolic reaction is called limiting factors for that reaction. Many factors like light intensity, temperature, concentration of carbon dioxide and availability of water act as limiting factor of photosynthesis. Effect of light intensity and temperature. So, सबसे पहले factor है light intensity का। The rate of photosynthesis varies with light intensity. Varies का मतलब है change होना। It decreases as light intensity decreases and increase at light intensity increases. However, at much higher light intensity, the rate of photosynthesis become constant. Next है temperature. The rate of photosynthesis decrease with decrease in temperature. It increase as temperature is increased over a limited range. But if light intensity is low, increasing the temperature has little influence on the rate of photosynthesis. Next, the effect of carbon dioxide concentration. As carbon dioxide concentration rises, the rate of photosynthesis goes on increasing until limited by other factors. Increase in carbon dioxide concentration beyond a certain level causes the closure of stomata. Closure ka matlab hai band ho jana. And it decreases the rate of photosynthesis. और जब stomata close हो जाएंगे तो जो photosynthesis का rate है वो भी कम हो जाएगा, decrease हो जाएगा। Okay class, now check out your page 130, page number 130. Respiration. When we
burnt up fuel, it utilizes oxygen and yield energy in the form of light, heat. In this burning process, oxygen is used to break carbon-hydrogen bond present in the fuel molecule. In the same way, organisms utilize oxygen for the breakdown of carbon-hydrogen bond in the food or in their cells. The breakdown yields energy which is transformed into ATP. ठीक है, जैसे कि जब आप आग चलाते हैं लकड़ियाँ, ठीक है, लकड़ियों को आग चलाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. ठीक है, उसमें भी जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी टूटते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो खाना हम खाते हैं, फूड हम इंटेक करते हैं, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि ऑक्सीजन से टूटते हैं. ठीक है, वो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में मौजूद है और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसके अलावा जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एनर्जी रिच बॉन्ड्स हैं. ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड है. अब है इसकी डेफिनेशन रिस्पायरेशन की. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सी एच बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस. द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन. ठीक है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन है. इसके अलावा बॉक्स है. इन सेलुलर रिस्पायरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू वाटर. ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो कैसे हो रही है इस रिएक्शन में, तो वो बताया गया है. अब नेक्स्ट है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन. तो ये एक एक ही पैराग्राफ हम पढ़ेंगे. तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो है उसकी डिटेल हम अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. द मोस्ट कॉमन फ्यूल इज़ यूज बाई सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रिस्पायरेशन इज ग्लूकोज. ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है. द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट है डेफिनेशन. द सेलुलर रिस्पायरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन वाइल वन दैट अकर्स इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पायरेशन. ठीक है, तो आज के लेसन में आपने एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन की डेफिनेशन याद करनी है. इनकी डिटेल जो है वो हम अपने कल के लेक्चर में याद करेंगे. ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 128. पेज नंबर 128 निकालें. पेज नंबर 128 पर है प्रैक्टिकल वर्क. इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट दैट लाइट इंटेंसिटी इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जो आप घर में भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि सबके घरों में मोस्टली प्लांट्स होते हैं. ठीक है, और कुछ के घरों में ट्रीज भी होते हैं या कोई ऐसे भी होंगे जो कि विलेज से रिलेटेड हैं. ठीक है, जो गांव में रहते हैं या कुछ ऐसे लोग जो जिनके घर के आसपास गार्डन है. ठीक है, वो भी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं. यानी मोस्ट ऑफ द क्लास जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं घर पर ही, इसलिए मैं इस प्रैक्टिकल का आपको बता रही हूँ. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट दैट लाइट इज़ नेसेसरी टू फॉर फोटोसिंथेसिस. कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन करनी है कि लाइट जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. लाइट एनर्जी इज़ यूज फॉर एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल विच इन टर्न produce ATP and are also used for the reduction of carbon dioxide. Thus, light energy is incorporated in glucose in the form of bond energy. ठीक है, a problem is light intensity for photosynthesis. के light necessary है photosynthesis के लिए. Hypothesis, light is necessary for photosynthesis. ठीक है, जैसे हमने second chapter में solving a biological problem पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह हम कर रहे हैं. अब deductions. There will be no photosynthesis in the part of the leaf that do not get sufficient light and so there will no starch production in these parts. Yani wo part jinko light nahi mil rahi hai to unme photosynthesis ka process bhi nahi hoga. Theek hai, ab iske liye aapko kya kya apparatus chahiye honge. Potted plant with healthy leaf. Theek hai, potted plant kehte hain jaise gamla, ek gamla jo hota hai potted hota hai jise aap utha kar kahin bhi rakh sakte hain. Theek hai, तो उसे कहते हैं पोटेड प्लांट जिसके हेल्दी लीव हों. ठीक है, इसके अलावा जो भी प्लांट है ज़मीन में भी लगा हुआ है. ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल के लिए. ठीक है, ब्लैक पेपर आपको चाहिए. ब्लैक पेपर आपका हार्ड चार्ट भी हो सकता है. अगर आपके पास हार्ड चार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी पेपर पर ब्लैक इंक जो है उससे फिल कर लें उस पेपर को और उसे ब्लैक कर दें.
पेपर क्लिप्स चाहिए आपको? अगर आपके पास पेपर क्लिप्स हैं तो ठीक है, अगर आपके पास पेपर क्लिप्स नहीं है तो आप रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। फाइव हंड्रेड एम एल बीकर, ठीक है, अगर बीकर नहीं है तो आप उसकी जगह कोई बाउल भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्सेप्स यानी उसको पकड़ने के लिए, अटेस्ट ट्यूब, एथेनॉल डिल्यूट सॉल्यूशन, ड्रॉपर, पेट्री डिश, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आपके पास नहीं भी हैं तो इसके अलावा भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह आपने ये प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कीप इन डार्कनेस फॉर एटलीस्ट 3 डेज सो दैट इट लीव्स आर डी स्टार्च, ठीक है। कि आपने क्या करना है कि एक पॉटेड प्लांट लेना है और उसको आपने अंधेरे में रखना है, ठीक है, रोशनी में नहीं रखना, कम से कम 3 दिन के लिए। फिर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप जो है उसको अटैच कर देना है उसके लीव के दोनों साइड पर, ठीक है। फिर उस पॉटेड प्लांट को प्लेस करना है। फाइव और के लिए, ठीक है, फिर रिमूव करना है एक्सपेरिमेंटल लीव को और परफॉर्म करना है स्टार्च टेस्ट, ठीक है। तो स्टार्च टेस्ट परफॉर्म नहीं भी करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली, अब ये तो प्रोसीजर है ना, मैं इसको सिंपल वेज में आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। अगर आपके पास घर में मौजूद हैं प्लांट्स, ठीक है, तब भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर बाहर है आपकी पैरिफरी में तब भी ये परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आपने करना क्या है, कोई भी हेल्दी लीफ आपके प्लांट का जिसको सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, आपने उस कंप्लीट लीफ को कवर कर देना है कम से कम भी 3 दिन के लिए, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द रबर बैंड भी आप लगा सकते हैं, पेपर क्लिप भी लगा सकते हैं ब्लैक चार्ट से उसको कवर करके, ठीक है। तो जब आप उस कंप्लीट लीफ को कवर कर लेंगे कम से कम भी 3 दिन के लिए, ठीक है, तो उसके बाद आपने उसका एक स्पेसिफिक एरिया लेना है, उस स्पेसिफिक एरिया को आप कवर करेंगे पूरे लीफ में से, ठीक है। और वो जो आपका प्लांट होगा उसको भी आप ज़्यादा रोशनी में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कुछ दिनों बाद उसका जो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, जिसे आपने कवर किया था वो विल्ट हुआ है यानी मुरझाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक आप जो सनलाइट है वो नहीं पड़ी और जिसकी वजह से उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये कम से कम भी 6 to 7 days लेगा और ये फिर कंप्लीट होगा, ठीक है, यानी आफ्टर 6 to 7 days आपका जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो आपके रिज़ल्ट की जो पिक्स हैं वो आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट या नहीं, ठीक है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट की पिक्स मुझे सेंड करेंगे, उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगी। होप यू अंडरस्टैंड क्लास, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।